कचना ब्लॉक में दिनांक 29 जून को जल जीवन शक्ति मिशन के तहत स्वच्छता मिशन नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा विकास खंड कचना में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। एडीओ पंचायत विवेक मिश्रा ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर जबकि और विकास अधिकारी भी वहां उपस्थित थे रवाना किया। कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड सभागार में प्रोजेक्ट के माध्यम से वीडियो चलाकर नागरिकों को जागरूक किया जाए, वर्षा का जल संरक्षण भी किया जाए बताया गया, जिससे कि लगातार गिरती जा रही वाटर लेवल की स्थिति में सुधार हो सके। अतुल मिश्रा द्वारा बताया गया जल जांच कोर कमेटी सोशल मैपिंग के माध्यम से नमामि गंगे के उद्देश्य को पूरा किया जा रहा है। पाइपलाइन के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ा जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य प्रशिक्षक सुभाष सक्सेना अमरीश शर्मा मौजूद रहे। कचना ब्लॉक में ये जल जीवन शक्ति मिशन का ये कार्यक्रम रखा गया था, इसके विषय में क्या जानकारी पूरी देना चाहते हैं सर? आप क्या मामला है? आज ये ब्लॉक कचना में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की तरफ से नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से एक गोष्ठी और नाटक नुक्कड़ का आयोजन किया गया, जिसमें से गाँव में कैसे जागरूकता फैलाई जाएगी स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल के बारे में, कैसे गाँव को स्वच्छ रख के बीमारियों से बच करके अपने व्यक्ति के आर्थिक जीवन को हम ऊंचा उठाएंगे और उसके पूरे जीवन को सम्मान से जीने का एक जो नज़रिया है वो कैसे प्रस्तुत करेंगे, और उसके साथ साथ एक रैली का भी और एक गाड़ियों का जो आज यहाँ से रवाना किया गया, बच्चों का टीम जाएगा हर गांव में, हमारे हैंडपम्पों का इंडिया मार्ग का हैंडपम्पों की क्वालिटी का भी जांच करेगी और गांव में लोगों को जागरूकता करेगी। तो जैसे कि सर ये सभी गांवों में है कि हर एक जगह ये कार्यक्रम रखा गया है कि आज पहली बार आज एक अर्चना में पहली बार हुआ है, और अब ये गांव में सीरियल से 80 पूरे गांव में नया पंचायतवार टीमें अब एक सप्ताह में पूरा करेंगे इसको सर कल सुनने में। फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए UFT Live TV। नमस्कार।